हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, मैं हूं पवन यादव। सो गाइस, आज हम अपडेट देने वाले हैं अंबेडकर नगर वाली रोड, यानी अकबरपुर और अंबेडकर नगर दोनों जाती है। तो अभी यहां पर देखेंगे इस रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जो यहां से अकबरपुर तक हो रहा है। तो अभी इधर आप देखेंगे यहां मशीन वगैरह चल रही है। रोड चौड़ीकरण के वजह से बहुत सारे दुकान भी यहां शॉप जा चुके हैं। तो इधर देखेंगे वोल्वा की ये चल रही है, और इसको कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो छात्र शक्ति है। तो इधर साइड आप देखेंगे यहाँ से मशीनें वगैरह चल रही हैं चौड़ीकरण की वजह से। दोनों साइड इसे चौड़ी होगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ले चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। हमारे राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो मिट्टी हटा दी गई है और इसके ऊपर गिट्टी वगैरह भी बिछा दिया गया है, हमारे लेफ्ट में और राइट हैंड साइड में। और काफ़ी चौड़ी ये रोड बन रही है, बहुत हद तक काम हो चुका है। पूरा बाज़ार लेकर और इधर बाकड़गंज हुआ, और इसका जो प्लांट लगा हुआ है वो लगा हुआ है पूरा बाज़ार के आगे। तो इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे यहाँ पर गिट्टी वगैरह बिछा दी गई है, अभी इधर काम नहीं शुरू हुआ है। और यहाँ से डिवाइडर का भी काम चालू हो गया है बहुत ज़ोरों शोरों से। तो आशापुर के थोड़ा से और आगे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर रोड को टू लाइन कर दिया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग हो जा रही है टू लाइन की, और यहाँ से आप देखेंगे दर्शन नगर फ्लाईओवर तक इसको डबल लाइन कर दिया गया है, और इस बीच में इसको बना दिया गया है। पर आप देखेंगे डिवाइडर का काम बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। देखिए अभी बहुत जल्दी स्टार्टिंग इधर हुई थी, इस साइड अभी फार्मा वगैरह लगा रहे हैं, और इसके इस साइड में देखिएगा यहाँ पर जो ढलाई होती है यहाँ पर हो चुकी है। तो इसके ऊपर देखिए बोरिया वगैरह लगा दिए हैं थोड़ा इसको तरी रखने के लिए। तो समथिंग ये 20 मीटर एक तरफ रहेगा और 20 मीटर एक तरफ रहेगा, कुल मिला के 40 मीटर का ये रोड पूरा तैयार होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट उससे कम नहीं होगा। तो इसके आगे और चलेंगे तो मंडलीय है, और हम पहुँचे हैं अवध इंटरनेशनल स्कूल के पास हैं। तो इधर आप देखेंगे तो आप सावधानी से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रात में थोड़ा कम जाना ही पड़ता है, क्योंकि अभी नया है, पेंट भी नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर सावधानी से रहेंगे, क्योंकि बीच में डिवाइडर हो गया है तो थोड़ा सरप्राइज़ है ना, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, आदमी कम जान पड़ता है। अगर ठंडी का भी टाइम है, विंटर टाइम है, तो हल्का कोहरा भी रहता है, तो बहुत स्लो चलाना चलाइएगा और दर्शन नगर के पास। तो चलिए और चलते हैं और आपको दिखाते हैं साइड में। यहाँ से लेकर अकबरपुर तक डिवाइडर बनेगा, पूरा डबल लाइन बनेगा, और अयोध्या में बहुत सारे विकास हो रहे हैं, तो इस वाले रोड का भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें भी बहुत एक्सीडेंट बहुत होता था। तो अभी यहाँ फ्लाईओवर का काम हो रहा है, तो चलिए आगे हम दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए बड़ी गाड़ियाँ बहुत कम ही जाती हैं, मशीन वगैरह खड़ी हुई है। तो फ्लाईओवर की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी कार भी रोक देते हैं और बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाने देते। बस वगैरह चार नंबर बूथ से जाती है, जो गोरखपुर वाली रोड है वहाँ से एक टर्न होती है बीच से, जो दर्शन नगर सूरजकुंड के पास निकालती है। तो ये मंडलीय है, बहुत ही बड़ा हमारा ये मंडलीय खुल चुका है इधर साइड में, और इधर फ्लाईओवर का काम हो रहा है। देखिए बहुत ही बड़ा ये मंडलीय हमारा ये बनके तैयार हो चुका है, देखने में काफ़ी बड़ा लगता है रात में। और इस साइड अभी फ्लाईओवर का काम हो रहा है, और मे भी गाड़ियाँ रोकी गई हैं। इस साइड देखेंगे तो जाम लग चुका है पूरा किस तरीके से, और ओवर ब्रिज बनने के कारण देखेंगे कितना जाम लग गया है पूरा, शायद क्रॉसिंग बंद होगी। कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर का काम हो रहा है और क्रॉसिंग बंद हुई है, तो इस वजह से जाम लग गया है। आप देखेंगे यहाँ अजीबो अजीब मशीन खड़ी हुई हैं सब, और रेलवे का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से, डबल ट्रैक बिछाया जा रहा है, इस वजह से भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर का दर्शन नगर में काम हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे से फाटक था पहले, क्रॉसिंग थी, इस वजह से इसको बनाया जा रहा है।
तो देखेंगे कुछ इस तरीके से अभी साचा इसका बन रहा है इस साइड में। डबल ट्रैक का काम चालू हो गया है, देखिए इधर बिछाया जा रहा है गिट्टी वगैरह, और भीड़ देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर साइड आप देखेंगे जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है, और ये काफ़ी चौड़ा होगा ये डबल ट्रैक की वजह से। भीड़ देखिएगा इस कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वजह से इस फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप खुद ही जज करिएगा, ज़रूरी था यहाँ पर फ्लाईओवर बनाना, और इधर देखेंगे यहाँ डबल ट्रैक का काम हो रहा है। तो हम दर्शन नगर का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो इधर पिलर का देखिए बहुत सारा काम हो चुका है, पिलर सारे बन चुके हैं, और उसके और आगे थोड़ा देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारे अभी काम हो भी चुके हैं। तो अभी समथिंग 50% काम हुआ है, 50 से भी कम हुआ है अभी फ्लाईओवर का काम जो दर्शन नगर में बन रहा है। और भीड़ आप देखेंगे तो मैं आधा घंटा से यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे फ्लाईओवर बनना। फिर आपको निकल के दिखाते हैं, थोड़ा सा मार्केट भी दिखाएंगे आपको जो टूट गया है मार्केट, कैसे पहले था और कैसे अब हो गया है। तो इधर आप देखेंगे जो पिलर के उधर पीछे वाले जितने घर हैं सब सारे टूट चुके हैं, और भीड़ देखिए अभी तो एक घंटे से ज़्यादा भीड़ यहाँ रहेगी, तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है, नहीं तो अच्छे से दिखाता मैं। तो इधर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर का देखिए इधर काम हो रहा है, और उधर रेलिंग सी बची हुई है, बाकी और सब अंदर में काम हो चुके हैं। फिर उसके ऊपर जो सड़क वगैरह बनेगा ऊपर, तो कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर का भी काम हो रहा है। और उसके इधर देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट पहले आगे था बहुत पहले, यहाँ दरा वगैरह होता था जो अब टूट गया है, और कुछ इस तरीके से अब मार्केट पूरा दिखता है दर्शन नगर मार्केट हमारे लेफ्ट में, और राइट साइड देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो पहले दर्शन नगर दूसरी तरह दिखता था, जो अब इसका जो चौड़ीकरण हो गया है, और जितना अभी टीन वगैरह आप देख रहे हैं ये सारी अभी दुकानें हटेंगी। इधर ये शिवानी मेडिकल जो है ये हटेगा, अगर हमारे इधर जाएंगे तो सीधे ये आपको लेफ्ट में सीधे हनुमानगढ़ी लेकर जाएगा। तो सीधे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भी कि दर्शन नगर में और भी क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इधर साइड आप देखेंगे तो जितने भी आप घर ये देख रहे हैं अभी ये सब टूटा नहीं है, आगे जितना था वो लोग अपना तोड़ के बना लिए हैं, और जो इधर बचा हुआ हमारे लेफ्ट में और राइट साइड में यहाँ पर ये सारे टूटेंगे। और जहाँ पर बैटरी रिक्शा यहाँ पर एक दरा हुआ करता था बहुत ही प्राचीन, पहले का राजा महाराजा बनवाए थे, वो सब टूट गया पूरा, क्योंकि जर्जर केस में था तो तोड़ना बहुत ज़रूरी था। एक अपने आप ही गिर गया था और एक सरकार ने गिरवाया था। तो दर्शन नगर मार्केट कुछ इस तरीके से है, और इसका भी जब चौड़ीकरण होगा जैसे अयोध्या रामपथ का हुआ था उसी तरीके से इसका भी होगा, तो ये सारी दुकानें हटेंगी, जितने भी आप टी शर्ट वगैरह दुकानें देख रहे हैं ये सारे हटाए जाएंगे। और यहाँ पे सूर्य कुंड यानी बहुत ही बड़ा कुंड, बहुत ही प्राचीन कुंड है, उसका भी निर्माण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, जो कि मैं बहुत सारी वीडियो में लाया भी हूँ सूर्य कुंड करके, तो आप वहाँ जाके चेकआउट भी कर सकते हैं उसका ब्लॉग। और बहुत ही भव्य बहुत ही बड़ा बन रहा है, थोड़ा सा बाहर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पर इसका एक मेन गेट यहाँ भी बनाया जा रहा है, तो इसके मेन गेट एक इधर है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों दिशाओं में इसका जो गेट बनाया जा रहा है सूर्य कुंड का। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।